गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? सो वेलकम वेलकम टू अमेजिंग प्रिया एंड ब्लॉग्स। तो गाइस, ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं आज, और अब आपको दिखाते हैं इस टाइम प्रिया जी क्या कर रही हैं। सो ओ वाओ, प्रिया जी ने पहनी है आज साड़ी एंड सी इज लुकिंग फैबुलस। अब मैंने साड़ी पहनी हुई है, ये साड़ी मैंने मीशो से मंगवाया था। So guys, तो रील बनाने के चक्कर में मैंने पहन लिया, बट रील बनाया मैंने तो इसीलिए मैंने पहन लिया। ब्लाउज कुछ और है, साड़ी कुछ और है, और इसका ब्लाउज ये रहा। ब्लाउज ब्लाउज मुझे सिलवाना है अभी। सो गाइस, प्रिया जी ने पहनी है साड़ी एंड सी इज लुकिंग गॉर्जियस। गाइस, अभी बनाने जा रही हैं डिनर। डिनर के अंदर आज है ये दाल है, इसको अभी ग्राइंड करके इसकी बनाएंगे। क्या बोल रहे हैं? दाल कड़ी, निमोना। निमोना बोलते हैं वैसे कड़ी, यूपी में निमोना बोलते हैं, मतलब गांव में। और होगा डिनर रेडी और अच्छी लग रही हूँ शायद। शायद नहीं, यू लुकिंग गॉर्जियस, स्टनिंग, ब्यूटीफुल, एडोरेबल। पिन वगैरह नहीं लग रहा मेरे। आई हैव नो वर्ड्स, तो चावल बन गया है और अभी ये बनाना है। उसके लिए मैंने दाल भी गोई है। अभी दाल को करेंगे हम ग्राइंड मिक्सर। गाइस, चावल बना लिया है हमने, और ये मैं दाल का निमोना बनाने जा रही हूँ। मटर की दाल को मैंने भिगो के रख दिया था 4-5 घंटे पहले। अब इसको ग्राइंड करेंगे और इसका बनाएंगे पेस्ट, और फिर बनाएंगे इसके बाद इसको फ्राई करेंगे, और इसमें थोड़े से लहसुन वगैरह ये भी पेस्ट बनाएंगे इसका। और तो चलिए फिर बना लेते हैं। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ दिखाऊँगी, शेयर करने वाली हूँ। सो गाइस, ये मटर की दाल को जो हमने भिगो के रखा हो उसको ग्राइंड करेंगे, और उसके बाद मैं बनाऊंगी। मैं इन्हीं से ग्राइंड करने के लिए बोलती हूँ, क्योंकि मुझे एक बार करंट लग गया था, इसीलिए मैं मिक्सर वगैरह प्रेस वगैरह नहीं छूती हूँ। मुझे बहुत तगड़ा वाला करंट लगा था बहुत काफ़ी समय पहले, तभी से मैं इतना डर गई हूँ कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों से। तो तभी से मैं मिक्सर वगैरह से रखती हूँ। गाइस, अब मैं बनाने चल रही हूँ, तो आप लोग भी देखिए, और मैंने मेरी साड़ी कैसी लग रही है मुझे बताना, मेरा फुल लुक कैसा लग रहा है। और इधर ये खड़े हैं, झूठी तारीफ हो रही है, झूठी। और मैंने ब्लाउज कुछ और पहना है, साड़ी कुछ और, क्योंकि इसका ब्लाउज अभी ये है, इसको मुझे सिलवाना है। मैंने मीशो से मंगवाया था, तो काफ़ी खूबसूरत साड़ी है ये। मेरी साड़ी तो कैसी लग रही मेरी साड़ी, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। आप लोगों के लिए खुला हुआ है कमेंट सेक्शन, तो प्लीज़ कमेंट भर भर के कीजिए और बताइए मुझे। ओ गाइस, मैं यहाँ पे बना रही हूँ निमोना हमारे मटर की दाल का, और मैंने कढ़ाई रख दी थी गैस पे, गैस को ऑन कर दिया था, और उसमें ऑयल डाल दिया था, थोड़ा सा जीरा डाल दिया था, और ये जो निमोना ग्राइंड करके तो मिक्सर जार में दिखाओ। गाइस, मुझे इस मटर के जो पेस्ट को गोल्डन ब्राउन अच्छे से भून लेना है। सो गाइस, मैंने मसाले में हल्दी और थोड़े से धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर मैंने ऐड कर दिया। अब इसको अच्छे से चला लेते हैं। ज़्यादा मसाले मुझे इसमें नहीं ऐड करना है, मैं पानी ऐड करूँगी। अब इसको चला देंगे। तो गाइस, मसाले हमारे अच्छे से भून गए हैं, और मैंने थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड कर दिया इसमें। और अब इसमें मैं ऐड करती हूँ पानी हमारे ग्रेवी के लिए। गाइस, मैंने पानी ऐड कर दिया है, अब इसको बॉयल हो जाने देते हैं, और 10-15-20 मिनट में बॉयल हो जाएगा, हमारा खाना रेडी हो जाएगा, डिनर हमारा।
और बनाएंगे बाद में मैंगो शेक। तो चलिए फिर इसको ढक देते हैं, चलते हैं। बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है और किचन में जब गैस जलती है ना तो और भी ज़्यादा मतलब गर्मी होती है, तो चलते हैं उस रूम में। और अभी मैं वीडियो अपलोड कर रही थी, कर दिया वीडियो अपलोड, तो ये वीडियो अपलोड कर रहे थे और अभी अपलोड करके आए हैं। और ये वाली वीडियो कल जाएगी, कल ही जाएगी। हाँ गाइज, मैं बना के चली आई, इनको मिर्च कम लग रही थी तो ये ऊपर से मिर्च काट के डाल रहे हैं। इनके खाने में मिर्च 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 होनी चाहिए, ज़्यादा बहुत ज़्यादा मिर्च इनके खाने में रहती है और साथ ही साथ हम भी खाते हैं, क्या करें, हमें भी खाना पड़ता है। चार मिर्च काट के उसमें ऐड कर दिया है। अभी क्या बनाने जा रहे हो? तो मैंने खाना बना लिया और मैंने वो निमोना बना लिया है, निमोना मतलब बन रहा है, चावल बन गया है। अब ये सैलड काटने जा रहे हैं, सैलड काटेंगे, ये सैलड काटने का इन्हीं का काम होता है। निमोना हमारा बह गया है, देखते हैं, बह गया ना उस साइड में थोड़ा सा बाहर, वो तो मैंने देख लिया, दो बूंद गिरा जा रहा है। तो ये पक गया ऑलमोस्ट, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और इधर कटर बन, अच्छा ये चना दाल बन रही है, मटर की दाल। अच्छा तो मटर की दाल स्पाइसी बना रहे हैं, थोड़ा लहसुन मिर्ची वगैरह के। सो गाइस, मैं सोच रही हूँ मैं साड़ी उतार दूँ क्योंकि साड़ी मेरी ख़राब हो जाएगी और बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो मैं उतार देती हूँ साड़ी और कुछ नाइटी पहन लेती हूँ। और तो मैं चेंज कर देती हूँ, चेंज करके आती हूँ, मिलते हैं आप लोगों से चेंज करने के बाद। गाइस, साड़ी उतार के ये नाइटी मैंने पहन ली और अब थोड़ी गर्मी से निजात मिली और मैंने उतार दिया। तो अभी मेरा निमोना जो है हमारा पक रहा है, अभी 2 मिनट में पक जाएगा, 2-3 मिनट में निमोना पक जाएगा, तब मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कैसा बना है हमारा निमोना। और मिलते हैं आप लोगों से डिनर करते वक्त। गाइस, हम लोग अब डिनर करने जा रहे हैं और यहाँ पे डिनर करने के लिए बैठ गए हैं। और हम लोग, जैसे कि आपको पता होगा, हम लोग नीचे ही बैठ के खाते हैं। और मेरा लाइनर कैसे फैल गया, पूरा लाइनर मेरा फेस पे फैल गया क्योंकि पसीना इतना हो रहा है कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। पसीने की वजह से मेरा लाइनर फैल गया है, फेस की ऐसी की तैसी हो गई है। तो चलिए मैं डिनर निकाल देती हूँ, तो मैं भी ऐसे बैठ गई हूँ। गाइस, ये जो मैट आप लोगों ने देखा होगा मेरे किसी वीडियो में, तो ये मैट मैंने इस पे बिछा दिया है, अच्छा लग रहा है ना। तो चलिए फिर डिनर कर लेते हैं। तो ये इनका डिनर है, अचार और ये प्याज लहसुन मिर्ची और ये निमोना चावल। और अभी मैंगो शेक बनाएंगे, तब मैं आप लोगों को डेफिनेटली दिखाऊंगी। और अभी मैंगो शेक बाकी है डिनर में हमारे, तो खा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से, बाय। गाइस, मैंगो शेक हमारा बन गया है। इधर आई है रिया, रिया को मैंगो शेक देने जा रही हूँ मैं। और मैंगो शेक ये हमारा बन गया है और रिया पिएगी, है ना रे? तो रिया पिएगी मैंगो शेक, तो मैं रिया को दे दूँ एक ग्लास में निकाल के। डिनर हमने कर लिया, डिनर करने के बाद हमने मैंगो शेक बनाया और अभी बर्तन धोना बाकी है। अब मैंगो शेक पीने के बाद रिया को पहले दूंगी और उसके बाद पियेंगे, उसके बाद बर्तन धोएंगे। और हमारा भी सीम है, तो हम भी पी लेते हैं, उसके बाद मैं धोती हूँ बर्तन, तब मैं करूँगी वीडियो का एंड। तो रिया इधर पी रही है, तो हम लोग भी पी लेते हैं, उसके बाद मैं बर्तन धोने जाती हूँ क्योंकि मैंगो शेक पी लेंगे तो आधे बर्तन पड़े रहेंगे, ग्लास वगैरह, जार इसका और ग्लास वगैरह सब पड़ा रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम लोग पी लेंगे, उसके बाद मैं बर्तन धोने जाऊँगी। तो 3 ग्लास हमने निकाल लिया है, आज हमारे पास कुछ भी नहीं है, न काजू बादाम है,
ना गरी का बुरादा है, हम लोग ऐसे ही पीने वाले हैं। तो मैं पीती हूँ, बहुत ही टेस्टी बना है, खट्टा है गाइस। मैंगो शेक हमने पी लिया, मैंगो शेक थोड़ा सा खट्टा था बट हमने पी लिया। और अभी मुझे धोना है बर्तन, अब मैं धोने जा रही हूँ बर्तन। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर करें, और ज़्यादा अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करते रहें। और जो भी न्यू आते हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करके तभी जाएं, फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर करें। और एक लाइक फ्री है यार, फ्री है, बिल्कुल फ्री है, तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो। आप लोग लाइक करने में बहुत तंजूसी कर देते हो, तो प्लीज़ वीडियो को वॉच करें तो एक लाइक भी कर दें। तो अब मैं करती हूँ वीडियो का एंड, अब मिलते हैं किसी प्यारी सी वीडियो के साथ। मैं जल्दबाजी में हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि बर्तन धोने हैं इसलिए मुझे ज़्यादा जल्दी हो रही है, इसीलिए मैं हड़बड़ी में बोल रही हूँ। तो मुझसे पता नहीं अड़पड़ा सा निकल ही जा रहा है। तो अब मैं करती हूँ वीडियो का एंड, अब मिलते हैं प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक ले बाय 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 बाय।